अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट दानियाल यासीन हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज आपको व्यूअर्स विजिट करवाने जा रहे हैं ये 5 मरला पर बहुत ही शानदार किस्म का बना हुआ घर, जिसकी लोकेशन बैरियट ऑन लाहौर सेक्टर डी के अंदर ये घर बिल्ड आउट किया गया। सबसे पहले घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, टोटली तौर पर स्पेनिश स्टाइल के साथ रखा गया है। बैरियट ऑन लाहौर के अंदर ऐसी बहुत कम ऑप्शन होती है जिसके अंदर आपको इस तरह का एलिवेशन मिलता है और डिजाइन मिलता है। आए चलते हैं, आपको घर का अंदर से लुक करवाएं। डिमेंशनिंग की बात करें तो 25 फीट का फ्रंट और 45 फीट घर की डेप्थ है। कॉम्बोडेशन के अंदर आपको 3 मास्टर बेडरूम, 4 वॉशरूम और डबल यूनिट के साथ ये घर मिल जाता है। आए चलते हैं, आपको घर का अंदर से लुक करवाएं। सबसे पहले इसके एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉन एरिया की स्पेस मिल जाती है, जिसके अंदर आपको प्लांटेशन और ग्रास वर्क की ऑप्शन मिल जाती है। बाउंड्री वॉल डिजाइन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको मोज़ेक वर्क की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रखा गया है। और इसका फुली आयरन डोर दे सकते हैं, जो कि CMC कटिंग के साथ रेडी किया गया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक कलर स्कीम के साथ इसका डोर रेडी किया गया। हम आ जाते हैं इसके कारपोर्च एरिया में। कारपोर्च के अंदर आप एक बड़ी गाड़ी को इजीली खड़ा कर सकते हैं, निश्की ऑप्शन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको मोज़ेक वर्क मिल जाता है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटेशन के लिए स्पेस की ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि बहुत शानदार किस्म का रखा गया। इस तरफ गली की स्पेस दे सकते हैं, जिसके अंदर आप 1 से 2 बाइक को इजीली यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, जो कि बैरियर टाउन के बाय लॉ के मुताबिक आपको 5 फुट की जो गली है वो आपको छोड़नी पड़ती है। अब आपको लिए चलते हैं घर का जो मास्टर टीवी लाउंज है वो आपको लुक करवाते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन एंट्रेंस डोर दे सकते हैं, जो कि टोटली तौर पर वुडन के साथ रेडी किए गए हैं, जिसके अंदर आपको मिरर वर्क मिल जाता है। आए चलते हैं, आपको घर का अंदर से लुक करवाएं। तो सबसे पहले हम इसके एंट्रेंस करते हैं मेन टीवी लाउंज में। सबसे पहले आप इसका सीलिंग का डिजाइन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको शैंडेलियर और जो फैंस हैं इंस्टॉल मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक ये घर रेडी किया गया। और मेरी बैक साइड पे आप इसका मीडिया पॉइंट दे सकते हैं, जो कि टोटली तौर पर वुडन के साथ रेडी किया गया। बहुत ही यूनिक डिजाइन और बहुत ही खूबसूरत तरीके का ये घर रेडी किया गया। बैरियर टाउन के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा घर सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत चंद ऑप्शन होती हैं जो कि इस तरह के घर के डिजाइन आपको मिलती हैं। निश की बात करें तो निश के अंदर आपको मिरर वर्क मिलता है वुडन के साथ इसका बॉर्डर, और इस तरफ फायरप्लेस की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि गोल्डन कलर के साथ रखी गई है। खिड़की की ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि फुली डबल हाइटेड यहाँ पे आपको खिड़की की ऑप्शन मिलती है, जो कि सेफ्टी ग्रिल के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर आपको 2x3 की टाइल इंस्टॉल मिलती है। और इसी की तरह अब आपको इसका जो फर्स्ट बेडरूम डिजाइन है वो आपको लुक करवाते हैं। तो हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। तो सबसे पहले इसका सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको फैन इंस्टॉल मिल जाता है। और इस तरफ आप निश का डिजाइन देख सकते हैं, जो वॉल पोशिश और मिरर वर्क के साथ मिल जाता है। LCD पॉइंट आपको मिल जाती है यहाँ पे। और इस तरह इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2x3 की टाइल इंस्टॉल मिलती है। अब आपको लिए चलते हैं इसके वॉशरूम में। तो सबसे पहले वॉशरूम में एंटर करते हैं तो सामने मिरर की ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि लाइट के साथ मिलता है। काउंटर टॉप के ऊपर आपको व्हाइट और गोल्डन टच के साथ वेंटिंग स्टोन मिलती है। और इस तरफ कंबोर्ड की ऑप्शन, और ये वॉशरूम का टोटल व्यू दे सकते हैं, काफी बड़ी आपको वॉशरूम के अंदर स्पेस मिल जाती है। अब आपको लिए चलते हैं जो घर का मास्टर साइज का किचन है वो आपको लुक करवाते हैं। घर की डिमेंशन मैंने आपको शेयर की, 25-45 घर की डिमेंशन है। तो अब आपको इसका जो किचन लुक है वो आपको करवाते हैं। तो सबसे पहले किचन में अगर हम एंट्रेंस करते हैं तो काउंटर टॉप के ऊपर आपको व्हाइट मार्बल इंस्टॉल मिलता है, और इसके जो बॉर्डर है आपको ब्लैक टच के साथ मिल जाता है। काउंटर टॉप की बात करें तो काउंटर टॉप के ऊपर आपको स्टोव और हुड की ऑप्शन यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाती है। UV एक्रेलिक शीट के साथ इसके किचन कैबिनेट रेडी किए गए हैं। ये इसके किचन कैबिनेट दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको खूबसूरत तरीके की LED लाइट जो है इंस्टॉल मिल जाती है। इसी तरह मिक्सचर पॉइंट और सिंक की भी ऑप्शन आपको मिल जाती है। किचन रैक्स रेडी किए गए हैं, और इस तरफ भी आपको ग्लास वर्क मिल जाता है। बहुत ही शानदार किस्म का और बहुत ही खूबसूरत ये किचन रेडी किया गया। और इसी तरह इसके मेन डोर की बात करें तो मेन डोर के अंदर आपको फुली टोर पर वुडन साइड रेडी किया गया है, और इसका ये मिरर वर्क डिजाइन दे सकते हैं। इसकी बैक साइड पे आपको लॉन्ड्री एरिया की स्पेस मिल जाती है, वॉल डिजाइन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल ग्लास और टाइल के साथ इसका डिजाइन मिल जाता है। अब आपको लिए चलते हैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो लुक करवाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर मेन एंट्रेंस करने से पहले जो स्टेयर्स के नीचे स्पेस बचती है, उसके नीचे आपको पाउडर रूम की स्पेस मिल जाती है। ये इसका पाउडर रूम एरिया चेक कर सकते हैं।
काफी बड़ी आपको स्पेस मिल जाती है इसके पॉट रूम में। तो अब आपको लिए चलते हैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो लुक करवाते हैं। स्टेज के बिल्कुल साथ ही आपको एलईडी की स्पेस मिल जाती है यहाँ पे इसका वॉल डिजाइन। अब आपको लिए चलते हैं इसके जो फर्स्ट फ्लोर है उसका मेन टीवी लॉन्च जो डिजाइन है वो लुक करवाते हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल डिजाइन देख सकते हैं जिसके अंदर आपको खूबसूरत तरीके की एलईडी लाइट्स मिरर के साथ मिलती हैं। यहाँ पे शैंडेलियर की स्पेस मिल जाती है। और इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं जो इसका ओपन स्टाइल किचन है वो आपको लुक करवाते हैं। किचन के अंदर स्टोव हुड काउंटर टॉप के ऊपर आपको ब्लैक मार्बल और इसी तरह मिक्सचर पॉइंट और सिंक की ऑप्शन मिल जाती है। बहुत ही शानदार किस्म का ये किचन रेडी किया गया। अब आपको घर का जो सेकंड बेडरूम है वो लुक करवाते हैं। तो ये मार्ग इसके सेकंड बेडरूम है, ये वही आपको खिड़की ऑप्शन दिखाई थी जो इसके ग्राउंड फ्लोर से लेके जो सेकंड फ्लोर तक है वो आपको वहां तक ऑप्शन मिलती है। फुली हाइटेड यहाँ पे आपको खिड़की की ऑप्शन मिल जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे वॉलपेपर के साथ इसका वॉल डिजाइन दे सकते हैं जिसके अंदर आपको हैंगिंग लाइट्स इंस्टॉल मिलती हैं। इसके अब जो अलमारी की ऑप्शन दे सकते हैं, टोटल तौर पर आपको रूफ हाइट तक यहाँ पे इंस्टॉल मिलती है। अब हम आज जाते हैं इसके वॉशरूम में। तो वॉशरूम के अंदर सबसे पहले काउंटर टॉप की बात करें तो काउंटर टॉप के ऊपर आपको वेंटी इंस्टॉल मिलती है। यहाँ पे मिरर के ऑप्शन और इसी वॉशरूम के अंदर भी आपको स्पेस काफी मिल जाती है। अब आपको लिए चलते हैं इसका जो घर का तीसरा और आखिरी जो बेडरूम है वो लुक करवाते हैं। तो आए चलते हैं आपको तीसरा और आखिरी जो बेडरूम है वो लुक करवाते हैं। तो सबसे पहले इसका बेडरूम का जो थीम है वो दे सकते हैं, ब्लू कलर के साथ रखा गया। वॉल पोशिश दे सकते हैं वुडन डिजाइन के साथ, मिरर के साथ इसका बॉर्डर, और इसका जो लास्ट और थर्ड बॉर्डर है वो भी आपको वुडन के साथ यहाँ पे मिल जाता है। वॉलपेपर का जो लुक है वो दे सकते हैं, वॉल फिटेड यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, एलसीडी पॉइंट इसका आपको मिल जाता है, और इस तरफ खिड़की के ऑप्शन दे सकते हैं जो कि यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल के साथ मिलती है। इस घर की जो डिमांड है इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका घर का जो खूबसूरत तरीन वॉशरूम है वो आपको करवाएंगे विजिट, और इसके साथ बैरियर टाउन के अंदर बहुत खूबसूरत घर बने होते हैं लेकिन इसके अंदर आपको वॉशरूम के अंदर जकूजी की ऑप्शन नहीं मिलती। तो सबसे पहले इसके वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं जकूजी सेट आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है, और यहाँ पे शावर एरिया, इसका जो टाइल डिजाइन है इसी के साथ यहाँ पे काउंटर टॉप के ऊपर आपको व्हाइट मार्बल मिलता है, वेंटी इंस्टॉल मिल जाती है, मिरर की ऑप्शन लाइट के साथ। बहुत ही शानदार किस्म का ये वॉशरूम रेडी किया गया। इस घर की जो डिमांड है 2,85,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है, और इस घर की जो लोकेशन है बैरिया टाउन लाहौर सेक्टर डी के अंदर यह घर बिल्डअप किया गया। अब आपको जो इसका जो टेरेस एरिया है वो लुक करवाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका यहाँ पे वॉल डिजाइन, और यहाँ पे इसका यहाँ खिड़की की ऑप्शन, यहाँ पे वॉल ग्रास। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस घर का विजिट करना चाह रहे हैं या किसी किस्म की डिटेल जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।